हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में काफी ज्यादा स्पेशल चीज मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये बोट को मैं 6 महीने से भी ज्यादा टाइम से ढूंढ रहा था, अब जाके ये मेरे को मिली है गाइस। इसको बोलते हैं RC टग बोट। बहुत सारे लोग ये बोट को यूज करके फिशिंग वगैरह भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही यूनिक तरीके के प्रोपेलर्स वगैरह दिए गए। इसका प्राइस है सिर्फ 4000 रुपीज। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो ये टग बोट को खरीद सकते हो। अभी इसको खोलते हैं, ये बोट कितनी ज्यादा पावरफुल, कितनी ज्यादा फास्ट है पानी में चलाने में। ये बोट के साथ बहुत सारे DIY गियर्स भी आते हैं, तो ये सारे जो गियर्स है आप लोगों को खुद को ही लगाना पड़ता है। ये 1:72 स्केल मॉडल पे बनी हुई है। फटाफट से इसको एक बार अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। गाइस, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। ये मैंने खोल दिया है इसको। यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स है, इसको मैं आपको लगा के भी बताने वाला हूँ, साथ में इसकी यूजर गाइड भी दी गई है। ये है इसकी बैटरी, छोटी सी बैटरी मिली है। इसके साथ आप चाहे तो बड़ी वाली बैटरी भी लगा सकते हो, और यहाँ पे वेलक्रो भी दिया गया है बैटरी एकदम परफेक्टली बोट के अंदर फिट होने के लिए। ये इसका ऊपर का कैबिन है, यहाँ ऊपर की तरफ शायद लाइट्स वगैरह भी दी गई होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक प्लग भी देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा सॉलिड मेरे को लग रही है। ये इसका चार्जर है और एक स्क्रू ड्राइवर है। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, इसको मैं एक हाथ से भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। यहाँ पे एक नॉब है, 0.4 GHz का रिमोट मिला है मेरे को इसके साथ। अब ये रही हमारी टग बोट। ये टग बोट जो है 2 कलर्स में मिलती है, ग्रीन रेड एंड ब्लैक रेड। मैंने जो है खास तौर पे ग्रीन रेड वाला कलर खरीदा, क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा यूनिक है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह दिया गया है। आप पीछे की तरफ देखो गाइस, यहाँ पे आपको नजर आएगा इसका यूनिक सा प्रोपेलर। ये प्रोपेलर इस तरीके से घूमता है, इसके अंदर झाड़ियां वगैरह ना जा सके, इस वजह से देखो यहाँ पे इस तरीके का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सॉलिड क्वालिटी है यार प्लास्टिक की, इसकी एकदम हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, ऊपर की तरफ बहुत सारी चीजें लगी हुई है। अब ये इसका कैबिन वाला पार्ट है, यहाँ पे इसका कनेक्शन है, ये मैंने दे दिया है। अब इसको प्रेस करके यहाँ पे लगा देंगे। ऊपर की तरफ इसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका एंटीना वगैरह है। अंदर की तरफ यहाँ पे ड्राइवर को चलाने के लिए देखो स्टीयरिंग वगैरह है। यहाँ पे इसकी कुछ LED लाइट्स वगैरह भी दी गई है, बाकी नाइट में ये लाइट्स काफी ज्यादा ब्राइट आपको नजर आ जाएंगी। तो गाइस, अब ये बोट के साथ दूसरी बोट्स को कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। मेरे पास एक सबसे यूनिक बोट भी है, इसको बोलते हैं सेल बोट, क्योंकि ऊपर की तरफ देखो ये इस तरीके का सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। इसको मैंने बहुत दिन पहले खरीदा था, आज भी ये बोट बहुत परफेक्टली काम कर रही है। बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। ये बोट भी थोड़ी बहुत DIY होती है, क्योंकि ये ऊपर की जो चीजें हैं इसके अंदर अलग से लगानी पड़ती है। यहाँ से आप बोट का डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे हवा आती है ये बोट उतनी ज्यादा तेजी से चलने लगती है। इसके भी अंदर पीछे की तरफ 2 प्रोपेलर्स दिए गए। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, नीचे आप देख सकते हो काफी यूनिक सा इसका डिजाइन है। ये चीज भी लगाई जाती है, इस तरीके की जो चीजें रियल बोट में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी ये इस तरीके से लग जाएगी, ये लगाने से ये बहुत ज्यादा बैलेंस में रह के चलती है। यहाँ पे है इसका छोटा सा रिमोट कंट्रोलर, बहुत ही छोटा सा यार, बहुत ही क्यूट नजर आ रहा है ये। तो आज टग बोट से फाइट करने के लिए बहुत सारी चीजें मैं लेके आ चुका हूँ। ये है एक RC वाटरप्रूफ शार्क, एक और मेरे पास रेसिंग वाली बोट है, ये भी बहुत ज्यादा फास्ट चल सकती है। तो चलो यार लेट्स गो। सबसे पहले ये टग बोट को मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि स्टीयरिंग चेक कर लेते हैं। स्टीयरिंग एकदम बढ़िया तरीके से इसकी काम कर रही है, और प्रोपेलर एकदम बढ़िया तरीके से इसका काम कर रहा है। पानी एकदम ठंडा है यार, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। ओके, अभी इसको मैं चलाने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये टग बोट काम कर रही है यार। ये देखो ऑलमोस्ट आधी पानी के अंदर डूब चुकी है। ओ भाई, काफी आराम से ये टर्न भी हो रही है। ये देखो गाइस, और भी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं इसके अंदर, मैं एक बार चलाने वाला हूँ। अरे हमारा भैंसा भी आ चुका है आज, देखो ये बोट को देखने के लिए। अबे यार ये क्या हो गया, ये तो वहाँ जाके फंस गई है। ओ माय गॉड, झाड़ियों ने इसको जकड़ लिया है पूरी तरीके से। अब ये वापस नहीं आ पा रही है गाइस। इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स लेके चलाता हूँ, मेरे को लगा कि भाई ये काफी आराम से चल जाएगी झाड़ियों के अंदर। थोड़ी दूर चलाने के बाद ये फिर से झाड़ियों में फंस गई थी। इस बार तो इसके प्रोपेलर के ऊपर पूरी झाड़ियां लपेट गई थी, इस वजह से ना तो इसको मैं पीछे चला पा रहा था ना तो आगे चला पा रहा था। अगर आप ये बोट खरीदते हो तो बिल्कुल भी झाड़ियों में मत चलाना। फिर जैसे तैसे करके मैंने इसको झाड़ियों में से निकाल लिया है। फाइनली मेरे को 30 मिनट्स लगे हैं गाइस इसको वापस लेके आने के लिए। ओके, झाड़ियों में से हमारी बोट निकल चुकी है। भाई मेरे को तो एक बार में डर लग गया था कि कहीं ये झाड़ियों में जाके फंस ना जाए। बाकी अगर ये बोट के बारे में बात करूं तो पानी में एकदम बढ़िया तरीके से चलती है ये। मेरे को ये बोट बहुत ही परफेक्ट लगी।
तो अब ये रेसिंग बोट को टेस्ट करते हैं। इसके पीछे इस तरीके के जेट प्रोपेलर्स लगे हैं, इसको भी पानी में चला के देखते हैं गाइस ये पानी में चलती है या फिर फंसती है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, ओके ये ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हो जेट के जैसा इसके अंदर से काम कर रहा है ये। अब देखो वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, अभी इसको मैं डायरेक्ट झाड़ियों के अंदर लेके जाने वाला हूँ। वाह यार देख रहे हो किस तरीके की लहरें बन रही है, ओ भाई काफ़ी आराम से ये इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी चल रही है। अरे यार सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ओ माय गॉड बहुत इजीली इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में से भी ये रेसिंग बोट निकल के आ चुकी है। अब मैं ये सेल बोट को चलाने वाला हूँ पानी के ऊपर, देखते हैं गाइस ये कितने स्टेबल तरीके से चल पाएगी और इसकी स्पीड भी एक बार टेस्ट करने वाला हूँ मैं। इसको मैंने रख दिया है पानी के ऊपर, ओके काफ़ी सही तरीके से पानी के ऊपर ये तैर रही है, अब इसको चला के देखते हैं। वाओ इसकी स्पीड तो सभी बोट से ज़्यादा लग रही है यार, पर इसको टर्न कराना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत लग रहा है, ज़्यादा हवा आने पर ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है यार, ये तो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। अरे भाई साहब गड़बड़ है यार इसके साथ, तो देखो जैसे तैसे करके मैं इसको यहाँ तक लेके आ चुका हूँ। ये जो ऊपर का कर्टन है इस कारण इसके ऊपर जैसे ही हवा लग रही है ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रही है, जिस तरफ हवा आ रही है ये उसी तरफ इस तरीके से टिल्ट हो रही है। तो बाकी गाइस ये जो बोट है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, अगर हवा कम चल रही है तभी इसको चलाना चाहिए, वरना भाई ये गुम भी हो सकती है पानी में। अब ये यूनिक से डिजाइन वाली बोट को मैं चलाने वाला हूँ, इसके अंदर भी पीछे की तरफ दो प्रोपेलर्स लगे हैं, ये पानी के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको चलाते हैं देखते हैं कितनी स्पीड से चलती है। वाओ स्पीड तो काफी खतरनाक है भाई इसकी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी फास्ट चलेगी। यहाँ से टर्न करा देता हूँ मैं, यार काफी कमाल की बोट है भाई। अब देखो इसको मैं झाड़ियों में चलाने वाला हूँ, ओह इसकी स्पीड के कारण ये झाड़ियों में से भी निकल चुकी है। एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इतनी ढेर सारी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा तेज चलने के कारण झाड़ियों में से भी काफ़ी आराम से निकल रही है। आप देखते हैं स्लो स्पीड में अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये झाड़ियों में से निकल पाएगी या फिर नहीं। अब तो यार ये पूरी तरीके से यहाँ पे फंस गई है मेरे को ऐसा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स ले लेता हूँ फिर एकदम स्पीड से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी यहाँ से निकल नहीं पा रही है। सिर्फ इसका यहाँ पे एक प्रोपेलर काम कर रहा है, एक प्रोपेलर के ऊपर पूरी की पूरी झाड़ियाँ लिपटी हुई है। तो यार अगर आप इसको खरीदते हो तो बिल्कुल भी स्लो स्पीड में झाड़ियों में मत चलाना। अब इसके ऊपर बहुत सारी झाड़ियां लिपट गई थी, झाड़ियों को तो मैंने निकाल दिया है, साथ में यहाँ पे एक इसके ऊपर धागा लिपट गया है, तो इस कारण ही ये बोट वहां पे फंस गई थी कम्प्लीटली। ये वाटर बायोनिक स्नेक को पानी के अंदर मैं चलाने वाला हूँ, ये मैंने इसको डाल दिया है पानी में, स्विमिंग पूल में इसको डाल के यार किसी के भी साथ प्रैंक वगैरह करेंगे ना भाई उसकी तो फट जाएगी पूरी तरीके से। ये अपनी पूंछ से ही पूरी पावर जमा करता है और अपनी पूंछ की हेल्प से ही इस तरीके से चलने लगता है। तो अब इन दोनों के बीच में मैं रेस कराने वाला हूँ, देखते हैं ये बायोनिक वाटर स्नेक ये टग बोट को रेस में हरा पाएगा या फिर नहीं। दोनों के बीच में एकदम इंटरेस्टिंग सी रेस होने वाली है गाइस, चलो रेस को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 ये रेस हो चुकी है स्टार्ट। वाओ ओ भाई टग बोट तो बहुत ज्यादा फास्ट है यार, टग बोट देखो बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, स्नेक थोड़ा सा स्लो चल रहा है यार क्योंकि इसको पावर गेन करना पड़ता है अपनी पूंछ से। तो ये टग बोट एक राउंड लगा के भी वापस आ चुकी है, ये देखो टग बोट हमारी पहुंच भी चुकी है। तो अब ये टग बोट की मैं रेस कराने वाला हूँ रेसिंग बोट के साथ, देखते हैं टग बोट क्या है रेसिंग बोट से फास्ट है या फिर नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, टग बोट और रेसिंग बोट के बीच में बहुत ज्यादा टफ फाइट चल रही है, ये बहुत दूर तक दोनों जा चुके हैं, यहाँ से मैं दोनों को टर्न करा लेता हूँ। ओके टग बोट अभी भी काफी ज्यादा आगे है यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस इसने रेसिंग बोट को ही रेस में हरा के रख दिया है। ओ माई गॉड ये लो टग बोट पहुंच चुकी है, अब रेसिंग बोट इसके पीछे पीछे आ रही है। टग बोट की मैं रेस कराने वाला हूँ ये सुपर फास्ट आरसी बोट के साथ, देखते हैं गाइस क्या टग बोट इसको भी हरा पाएगी या फिर नहीं। ये बोट बहुत ज्यादा फास्ट है, आज तक इसको किसी ने भी नहीं हराया है रेस में। ये रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, अरे बाप रे गाइस देख रहे हो कितनी ज्यादा फास्ट है वो। ओ भाई वो एक चक्कर लगा के भी वापस आ चुकी है, अभी तक हमारी टग बोट अपने रास्ते पे जा ही रही है, ये दूसरी राउंड भी लगा के जा रही है यार। ये इतनी ज्यादा फास्ट है कि यार टग बोट इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। देखो दोनों के अंदर सेम डबल प्रोपेलर ही दिया गया है, फिर भी ये बोट इसके मुकाबले में बहुत तेज है।
इन दोनों के बीच में अब मैं टग ऑफ वॉर कराने वाला हूँ। रस्सी को मैंने बांध दिया है, देखते हैं क्या ये टग बोट वापस से रेसिंग बोट को टग ऑफ वॉर में हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। टग बोट थोड़ा सा भारी पड़ चुकी है रेसिंग बोट के ऊपर और इसने रेसिंग बोट को पलट के रख दिया है। इस वजह से रेसिंग बोट अब इससे बिल्कुल भी यहाँ पे लड़ाई नहीं कर पा रही है। क्लियरली टग बोट ने इसको काफी ज्यादा इजिली हरा दिया है टग ऑफ वॉर में भी। अब सेल बोट की फाइट कराते हैं टग बोट के साथ, देखते हैं सेल बोट ये टग बोट के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। चलो गाइस, ये सेल बोट को मैंने हवा के अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा पावर मिल सके, पर टग बोट इससे भी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है। टग बोट ने इसको भी पूरी तरीके से पानी में डुबो के रख दिया है और यहाँ पे सेल बोट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही है। गाइस वापस से टग बोट ने हरा दिया है सेल बोट को भी। अब ये टग बोट की फाइट होने वाली है ये पावरफुल एम्फीबियस शार्क के साथ, देखते हैं एम्फीबियस शार्क के सामने तगड़ी सी टग बोट जीत पाएगी या फिर नहीं। एम्फीबियस शार्क के अंदर काफी बड़े बड़े व्हील्स हैं, मेरे को लगा था कि एम्फीबियस शार्क इसको काफी आराम से अपनी तरफ खींच लेगी या फिर पानी के ऊपर पलट के रख देगी, पर यहाँ पे सीन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। टग बोट ने इसको पूरी तरीके से रोक रखा है बहुत देर से। इस बार यार टग बोट ने तो यहाँ पे कमाल ही कर दिया, इतनी पावरफुल शार्क को ही ये धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींच रही है। ओ माय गॉड, अब यहाँ पे फाइनल फाइट होने वाली है टग बोट वर्सेस सुपर बोट के बीच में। सुपर बोट नो डाउट बहुत ज्यादा फास्ट चल रही थी। ये बोट जितनी ज्यादा फास्ट है उतनी ही ज्यादा पावरफुल भी है। इसने तो टग बोट को पलट दिया है यार पूरी तरीके से। टग बोट की हालत खराब हो चुकी है यहाँ पे पूरी तरीके से। यहाँ पे सुपर बोट सबसे ज्यादा फास्ट भी है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। इसने तो यार कमाल कर दिया भाई, मजा आ गया। आपको कौन सी बोट अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। नाम है देवेश, जगत, आयान, दीपक, एरोन, राजदीप, किशोर, शिवा, जीतू, साहिल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।